नहीं होगी तो गाड़ी बैक कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। फिलहाल आज सुबह का प्लान था बट मैंने कैंसिल कर दिया ठंड को देख के, और उठना भी मतलब उठने का ही मन नहीं किया। फिलहाल अभी मैंने सोचा आज अपनी छोटी का फर्स्ट आउटिंग करा ही दूं, तो बच्चों को उठा रहा हूं। कदू, अरे बंदर आ गया। कहां है बंदर? बंदर कैसे छुपा हुआ है? हेलो बंदर, टोपा पहना तो ये देख। ओ बंदर, घुम्मी चल रहे हो? आज से घुम्मी जा रहे हो पापा के साथ भाई। बंदर, ओ बंदर, तो भाई वी हैव रीच्ड। अरे मैं नाम भूल, अरे कौन सी लेके? अरे यार है भट कर ले, बट मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना सारा का सारा कंस्ट्रक्शन में है। इस लेक को भी अच्छे से बना रहे हैं ताकि मतलब जहाँ जो पानी रुकता होगा वो रुकता नहीं है, तो पूरा सीमेंटेड कर रहे हैं ताकि यहाँ पे लोग आए और पानी रुका रहे ताकि लेक वो देख पाए। अभी तो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फोकस, हाँ ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल ऊपर जाके अभी दिखाऊंगा, चलो अभी हम और किसी का भी वेट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे एक बंदे ने बताया कि आगे एक मंदिर है तो वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद देखें आगे क्या करना है। सो भाई ये वो लेक है, अभी तो यहाँ पानी है नहीं और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नियर फ्यूचर ये भी बहुत अच्छा बन जाएगा, ये पूरी अरावली रेंज। यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है। अगर आप पैदल जा रहे हो तो ये स्ट्रेट से ले सकते हो, अदरवाइज गाड़ी से अगर आपको डायरेक्ट वहाँ पहुँचना है तो पीछे से एक रास्ता है। बाकी ओके प्लेस है, अभी थोड़ा सा देख रहे हैं कहीं पे बैठने का कुछ मिल जाए, या तो रेस्टोरेंट पे जाके बैठेंगे, अदरवाइज आगे जो मंदिर है वहाँ जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं फिर अपना घर को चलेंगे। मतलब ओके रिपोर्ट है, नियर फ्यूचर अगर ये बन गया तो ये भी बहुत सही जगह होगी घूमने के लिए। बाकी ये देख के अच्छा लग रहा है, गवर्नमेंट इनिशिएट ले रहा है कि ऐसी जगहों को सिक्योर करे और अच्छे से डेवलप करे ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आए। जैसे अब जो बंदा दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता, एटलीस्ट वो यहाँ पे आके थोड़े बहुत पहाड़ तो देख ही लेगा बेचारा। तो मेरा जैसा बंदा है जो अभी दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता, वो कम से कम यहाँ पे बहुत पहाड़ों की फील ले सकता है। बाकी की रिपोर्ट है, अभी दो बच्चे और आ रहे हैं हमारे, उनको उठाएंगे फिर आगे की तरफ चलेंगे। जनता पार्टी आ गई, आ गए आ गए आ गए, ये आ गए। हाँ भाई कैसे? अच्छा हूँ। बच्चों का चकना बटोर लिया है, फिलहाल अभी जाते हैं उनको देते हैं। फिलहाल अभी पिकनिक टाइप का ही हो गया हमारे लिए, फैमिली के लिए आराम से मस्त। अभी कुछ पेट में डालते हैं फिर आगे परशुराम जी का मंदिर है वहाँ भी घूम के आएंगे। फिलहाल चढ़ बहुत ज़्यादा नहीं है, आगे मिलते हैं। भाई अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अब आगे मंदिर की तरफ निकल रहे हैं। ये लगे हैं हमें, ये क्या लिख रहे हो तुम गाड़ी पे? मैं अपना नाम लिख रहा हूं। क्यों, वाई क्यों लिख रहा है तू अपना नाम? हेलो ए क्यों वाई, गाड़ी किसकी है ये? गाड़ी किसकी है ये? हमारी? क्यों हमारी? मामा की। गधा भाई, एक किलोमीटर का पूरा जो पैसे कच्चा है, ऊपर ही कर दो यार, ये जंगली है। इनके साथ वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। अरे मत कर यार, ये जंगली पहुंच गए ना, ना निकाल लेंगे, नहीं होगी तो गाड़ी बैक कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। एक किलोमीटर का खराब पैसा बट अरे रुक जाओ बेटा, उसके बाद जो व्यू आया ना वर्थ है भाई, मजा आ गया यहाँ पे आके। मतलब कुछ मत बोलने दो मुझे, सोनू दी जियो, लो 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 बोलो, आप बोलो, आप बोलो। भाई पूरी अरावली की रेंज यहाँ से दिखती है, और लंगूरों को तो दिखा दो, लंगूर भी दिखाने जी दिखाते हैं सर, दो मिनट थोड़ा सा। अच्छा मंदिर है काफी थोड़ा सा दूर, और पूरी अरावली रेंज मस्त।
भाई ये सही है। भाई यहाँ पे इतने सारे लंगूर है ना, और भी जानवर है, गाय भी घूम रही है, आप इनको आराम से आके फीड कर सकते हो भाई, हाथ पकड़ेंगे आराम से खाएंगे चने ये। पीछे रहना भाई, ये है परसून कुंड। जब मैं यहाँ आया मेरे को लगा ये आर्टिफिशियल है, बट दिस इज ऑल नेचुरल। यहाँ पे मैं नाम भूल गया, परासन जी ने 5,500 साल कठोर तपस्या करी थी यहाँ पे, तो ये मंदिर बना है भाई, हमें पता ही नहीं था। देखा, मेरी ब्लॉग से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, करो। तो भाई एज पर द पंडित जी, जो बड़कल लेक इस ही झरने से भरती थी, लेकिन अब जो भी है अब नहीं जाता वो पानी, इस ही कुंड से बड़कल कहाँ गए थे, तो बोल ही नहीं पा रहा मैं, उसका नाम क्या था, बड़कल ना, बड़कल, बड़कल लेक इसी कुंड से भरती थी, बट अब जो भी रीज़न है इसको पाताल गंगा बोलते हैं। और सच में इतनी सही जगह मैंने निकाली है ना, ऐसा मैंने देखा नहीं था कि दिल्ली NCR में ऐसा भी कुछ है। आ गया ना, सुबह फिलहाल मंदिर के दर्शन अच्छे से हो गए, अब घर के लिए निकल रहे हैं। मंदिर का मैंने कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि जो गुरुजी थे उन्होंने मना कर दिया था, तो हर चीज़ को देख के ही जितना उन्होंने मेरे को अलाउ करा उतना मैंने वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ जो भी इस मंदिर में विज़िट करे, धार्मिक वे से करना, पिकनिक के उससे मत करना, बहुत अच्छी जगह थी, क्लीन थी, जो भी आए नीट एंड क्लीन रखना। बाकी इस वीडियो के लिए यहीं तक, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।